कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस छोटे चैनल नीम व्लॉग्स म्यूजिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, मेरा ये जो चैनल है ये एक म्यूजिक से रिलेटेड चैनल है। इसमें मैं बॉलीवुड सॉन्ग और भी जो नए नए सॉन्ग आते हैं फिल्मों के बैकग्राउंड, उसको मैं लुप्स के साथ वीडियो को बना के यूट्यूब पर डालता हूँ, जिसको आप सब पसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मुझे पता चला है कि मेरे इस चैनल पर बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन भाई हैं जो कि कीबोर्ड प्ले करते हैं, जो खुद भी आर्टिस्ट हैं। तो उन लोगों को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कीबोर्ड के बारे में जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, लेकिन जिससे वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कभी कभार, तो वैसे तो मैं म्यूज़िक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कभी लिए टेक्निकल वीडियो भी बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, लोगों को डाउट था कि वॉल्यूम पैडल को कीबोर्ड से कैसे कनेक्ट करना है। तो 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि आप कीबोर्ड के साथ वॉल्यूम पैडल को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारे लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया था। तो उसी में से बहुत से भाइयों ने मुझे कमेंट किया इंस्टाग्राम पे, मैसेज बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहा था कि मान लीजिए आपका डबल कीबोर्ड है, तो आप 2 कीबोर्ड को एक वॉल्यूम पैडल से कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको डबल वॉल्यूम पैडल नहीं लगाना, आप एक ही वॉल्यूम पैडल से 2 कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए काम पर आते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरा एक कीबोर्ड है और भी मेरे पास एक कीबोर्ड है जो कि कॉर्ग का है, ठीक है। और आपके पास जो भी कीबोर्ड हो, कॉर्ग है, मतलब अदर जो भी कीबोर्ड है, डबल कीबोर्ड होना चाहिए। अब अगर आप डबल कीबोर्ड को एक वॉल्यूम पैडल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल है। खाली आप सब वीडियो को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सिंपल तरीके से साफ साफ लिखा है इनपुट और आउटपुट। अगर आपके पास डबल कीबोर्ड है, एक बेसिक चीज़ जो कि आपको कोई अभी बताया नहीं होगा, इतना दिमाग में रखिए कि हर कीबोर्ड का पैच और टोन अलग होता है। तो इसका लेवल अलग है, मेरे कॉर्ग का लेवल अलग है, उसका टोन हाई है, हाई वॉल्यूम का है, इसका कम वॉल्यूम का है। तो उसका साउंड सेटिंग भी मैं आपको करना सिखा दूंगा। अब आपको करना क्या, अगर आपको डबल कीबोर्ड, आप कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं और आप डबल कीबोर्ड लगा रहे हैं एक वॉल्यूम पैडल से, तो ध्यान दीजिए, पहले तो आप कंफ्यूज ना होइए, एक कीबोर्ड को पहले इससे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा लेफ्ट इनपुट का ऑप्शन, इस पर लिखा हुआ है इनपुट और ये लिखा हुआ है आउटपुट। तो आपको क्या करना है कि सिंपली इसमें, अगर आप XPS 10 का मैं लाइन आउट डाल रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरा XPS 10 आ गया और इसमें मेरा कॉर्ग आ गया। आपको 2 लाइन आउट अपने बैग में रख लेना अगर आप डबल कीबोर्ड लगाते हैं तो एक कीबोर्ड का लाइन आउट अपने पिन में से इसमें लगा लीजिए और दूसरे मान लीजिए कॉर्ग का इसमें लगा रहे हैं तो इसमें लगा लीजिए, ठीक है। आपका दोनों कीबोर्ड का लाइन आउट इसमें लग गया। अब आपको साउंड वाले से 2 आउटपुट लेना, क्योंकि आप डबल कीबोर्ड लगा रहे हैं, तो एक लाइन आउट को सिंपली आप इसमें लगा लीजिए और एक लाइन आउट को आप लेफ्ट में लगा लीजिए। इस तरीके से आपका 2 कीबोर्ड एक वॉल्यूम पैडल में आसानी से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और रही बात, आपको ध्यान रखना है कि XPS किस कीबोर्ड का आप लाइन किस में लगा रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको सेटिंग करवाना होगा ऑपरेटर से, ठीक है। अब आते हैं साउंड सेटिंग के बारे में, तो आपको सेटिंग कैसे करना है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं, आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपका ये XPS 10 है, इसका लाइन टोन थोड़ा सा हाई है, कम है, तो आप सेटिंग पहले एक कीबोर्ड का करवा लीजिएगा साउंड वाले से। आपको हाई चाहिए, ट्रेबल चाहिए, बेस चाहिए, वैसे तो आपके कीबोर्ड डिजिटल कीबोर्ड होते हैं, उसमें साउंड मॉडिफाई का ऑप्शन अपने आप ही होता है, फिर भी आप वहाँ से इसका सेटिंग करवा लीजिएगा। फिर उसके बाद कॉर्ग का सेटिंग करवा लेना, फिर वहाँ पर एक मास्टर आउटपुट होता है हर कीबोर्ड में, तो उसको 70 से 80% खोल लीजिएगा और नीचे का 70% खोलना, ठीक है। मतलब जैसा जिसका आउटपुट होगा वो हिसाब से सबको बराबर कर लेना। उसके बाद आपका सिंपली वॉल्यूम पैडल आप यूज़ कीजिए, शो कीजिए और इस तरीके से आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक या हज़ारों वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। थैंक यू सो मच।